उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी पीयूष गोयल के समर्थन हेतु एनसीपी अजीत दादा पवार गट की दहिसर तालुका अध्यक्ष ममता शर्मा ने अपने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं की पूरी ताकत झोंक दिया है। भारी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता पदयात्रा एवं रथ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भारी बहुमत से जिताने हेतु जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं युवा नेता तेजस्वी सूर्या, भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मौन खुले जी, स्थानीय विधायक मनीषा ताई चौधरी, शिवसेना प्रवक्ता शीतल मात्रे, एनसीपी नेता ममता शर्मा ने महायुति के प्रत्याशी पीयूष गोयल हेतु दहिसर पश्चिम में रथ यात्रा एवं रोड शो किया। इस मौके पर जनता से पीयूष गोयल जी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की गई। एनसीपी नेता ममता शर्मा ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र एवं हिंदू विरोधी मानसिकता को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। आइए आप हम सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। रघुमाई मंदिर
मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट से ममता शर्मा, माननीय श्री छगन भुजबल साहेब और समीर भुजबल जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं उनके मार्गदर्शन में पीयूष गोयल जी के साथ महायुति के मोदी जी के समर्थन में आज चुनाव में मेरे टीम के साथ उतरी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ जनता को, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस को समझो, कांग्रेस पार्टी क्या है। कांग्रेस पार्टी 1947 में जब देश की आज़ादी बनने के बाद भारत देश के टुकड़े की, उसके बाद JNU में, बंगाल में, और लालू यादव जो चारा घोटाला किए हैं और 2G घोटाला और 70 साल तक भारत को खोखला करने का काम कांग्रेस ने किया है। ऐसे कई घोटाले के बाद भी ये किस मुंह से वोट मांगने आते हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल अभी राज किए उनका एक घोटाला बताइए, एक घोटाला। और मुंबई में पीयूष गोयल जी जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, BJP के उम्मीदवार हैं, वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रेलवे मंत्री, ऊर्जा मंत्री, और वो खुद विदेशों में जाके हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीयूष गोयल जी को जनता भारी मतों में विजयी बनाए, और कांग्रेस तो वैसे भी इस बार उसका कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और अब की बार घोषणा पत्र को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर तो यही लगता है कि जैसे पिंजरे में चूहे को फंसाने के लिए एक चारा डाला जाता है और बाद में उसको फंसा के मार दिया जाता है, तो उनका कांग्रेस का घोषणा पत्र बिल्कुल ऐसे ही है। 70 सालों में क्या किया? एक झटके में गरीबी हटाएंगे, एक झटके में। तो 70 साल तक क्या कर रही थी कांग्रेस? राम को काल्पनिक बताते हैं, कृष्ण को मानते नहीं है, महाराष्ट्र के वीर सावरकर को कहते हैं कि वीर सावरकर गलत हैं। तो ऐसे कांग्रेसी हिंदू विरोधी घोषणा पत्र लेकर आए हैं और हिंदू विरोधी हैं, और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कांग्रेस का सफाया इस बार होने वाला है और मोदी सरकार इस बार चुनकर आ रही है। अब की बार 100 पार।